मैं क्या करूं? सब कुछ कितना बोरिंग है। काश मैं कुछ मजेदार कर पाती। क्या अभी किसी ने कहा कि वो कुछ मजेदार करना चाहता है? तुम कौन हो? मैं हूँ गिज्मो, तुम्हारा दोस्त। गिज्मो? वो भी मेरा दोस्त? हाँ, और आज मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी बोरियत को दूर करने। वो कैसे? क्या तुमने जादुई अखबार के बारे में सुना है? जादुई अखबार? नहीं, मैंने नहीं सुना। एक ऐसा अखबार जो किसी भी आकार में बदल सकता है। सच में? ये लो एक अखबार और सोचो कि तुम इसे किस आकार में बदलना चाहती हो। मैं कुछ भी सोच सकती हूँ। अरे वाह! हाँ, तुम्हें बस कहना है जादुई है ये अखबार, ले सकता कोई भी आकार, बदल जाए ये अखबार और बन जाए एक। तुम बताओ मेरी दोस्त, तुम किस चीज में बदलना चाहती हो इस कागज को? मैं चाहती हूँ ये कागज फोटो फ्रेम में बदल जाए। तो ठीक है, चलो मेरे साथ बोलो, जादुई है ये अखबार, जादुई है इसका आकार, बदल जाए ये अखबार और बन जाए एक फोटो फ्रेम। अरे वाह, ये तुमने कैसे किया गिज्मो? ये तो बहुत ही आसान है। दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं ये मैंने कैसे किया? तो लो एक पुराना अखबार और हो जाओ शुरू। सबसे पहले लेना है हमें एक कागज और उसे ऐसे इस तरह से मोड़ना है और फिर चिपका देना है। इस तरह से गिज्मो? बिल्कुल सही स्माइली। हो गया। अब इसी तरह ऐसे ही हमें 12 अखबार के और पाइप बनाने होंगे। ये हो गया गिज्मो। अब क्या करना होगा मुझे? अब तुम्हें लेना है कागज वर्गाकार का, या अखबार को भी तुम वर्गाकार का बना सकती हो। वर्ग को हम चौकोर भी कहते हैं। वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाएं और कोने एक समान होती हैं। ऐसे? हाँ, हमें वर्गाकार वाले 5 अखबार को इस तरह एक के ऊपर एक करके चिपका देना है। फिर हमने जो 12 पाइप बनाए थे उनको 3-3 में भाग करके इस तरह वर्ग के चारों कोनों पर चिपका देने हैं। कितना सुंदर लग रहा है ये! क्या मैं इसमें अपनी तस्वीर लगा सकती हूँ गिज्मो? हाँ स्माइली। कितना सुंदर लग रहा है ये, और मैं भी, है ना गिज्मो? अरे ये गिज्मो कहाँ चला गया? लगता है मैं भी गप्पी की तरह दिन में सपने देखने लगी हूँ। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये जादुई अखबार? था ना मजेदार? आप भी स्माइली की तरह पुराना अखबार लेकर और भी नई नई चीजें बना सकते हैं, जैसे एक टोपी, बोल, पेन स्टैंड आदि। इससे न केवल आपको मजा आएगा बल्कि आप अखबार या कागज को भी रिसाइकल कर पाएंगे। दोस्तों, तो आपको किस बात का है इंतजार? बनाओ मजेदार चीजें अपने दोस्तों या परिवार के साथ मिलकर और कागज बचाओ। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे।